हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रैक्सवर। सो कैसे हैं आप लोग? आज मैं फिर से लेकर आई हूँ एक कुकिंग वीडियो। तो मैं बनाने जा रही हूँ आज यूपी बिहार का फेमस सत्तू का पराठा। वैसे तो लिट्टी चोखा ज़्यादा फेमस है, बट सत्तू का पराठा भी उतना ही फेमस है। तो आपको मेरी स्क्रीन पे कुछ इंग्रेडिएंट्स दिख रहे हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बनाना। तो सबसे पहले मैंने सत्तू ले लिया है और ये आपको इजीली अवेलेबल हो जाता है, ऑनलाइन भी ऑफलाइन शॉप पर भी। अब यहाँ पे कुछ इंग्रेडिएंट्स हैं जो मैं इसमें डालूँगी। तो इसमें मैंने लिया है ग्रेटेड अदरक और बारीक कटे हुए लहसुन और बारीक कटी हुई हरी मिर्च और बारीक कटे हुए प्याज। तो दो बड़े प्याज लिए थे मैंने। प्याज और लहसुन अदरक इसमें थोड़ा अच्छी क्वांटिटी में होता है। और मैंने लिया है अजवाइन और नींबू का रस। ठीक है, तो अजवाइन की जगह आप कलौंजी भी ले सकते हैं, मीन्स अनियन सीड्स, बट मेरे पास अभी वो अवेलेबल नहीं था तो मैं अजवाइन डाल रही हूँ। ये उसका बेटर सब्स्टिट्यूट रहेगा इस रेसिपी में। तो सारी चीज़ों को अच्छे से डाल देंगे। सारे इंग्रेडिएंट्स डालने के बाद अब मैं इसमें थोड़ा सा लेमन जूस डालूंगी। ये एक बड़े नींबू का पूरा रस है। और फिर आप टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड कर सकते हैं। सारी चीज़ों को अच्छे से हम मिक्स करेंगे, और हाथ से मिक्स करना ज़्यादा सही होता है बिकॉज़ अच्छे से सारी चीज़ें इसमें मिल जाती हैं, जो कि बहुत ज़रूरी है। हम सरसों का तेल डालेंगे, उससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है हमारे इस स्टफिंग में। तो ज़्यादा नहीं, 2 टेबल स्पून हम डाल सकते हैं सरसों का ऑयल। और अब अच्छे से मिक्स करेंगे। इसी तरह से रब करके मिक्स करते जाएंगे तो काफ़ी अच्छे से ये मिक्स हो जाएगा और एक सेमी वेट टेक्सचर में आ जाएगा। तो सब कुछ अच्छे से मिक्स करने के बाद स्टफिंग हमारी रेडी है। और देखिए कितना अच्छा टेक्सचर आया है, दलदला सा, और बहुत ही मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा गीला है। तो इस कुछ इस तरह का ही टेक्सचर हमें चाहिए। तो स्टफिंग हमारी रेडी है। अब चलिए हम आटा गूंद लेते हैं। तो आटा मैंने पहले ही गूंद लिया था और इसे 10 मिनट के लिए रख दिया था गूंद कर। तो कुछ इस तरह से सॉफ्ट हो गया है आटा। आटा हमारा सॉफ्ट ही रहेगा, बहुत ज़्यादा टाइट आटा नहीं हमें गूंदना है। तो अब चलिए पराठे बनाना स्टार्ट करते हैं। अब जितना रोटी के लिए आप लेते हैं बॉल्स बनाने के लिए, तो उससे थोड़ा सा ज़्यादा लेंगे हम आटे की क्वांटिटी और इसका बॉल बनाएंगे अच्छे से। इस पे थोड़ा सा सूखा आटा लगाएंगे हम और हाथों में ऐसे लेके किनारों को अच्छे से दबाते जाएंगे, जिससे कि बीच में ये मोटा ही रहे और किनारों पे पतला हो जाए। कुछ इस तरह की कटोरी के शेप में हम इसे कर लेंगे स्टफिंग भरने के लिए। और अच्छे से इसमें जगह बन गया है, अब हम इसमें स्टफिंग भरेंगे। इसमें मैं 2 चम्मच स्टफिंग भरूंगी, 2 या 3 चम्मच। बहुत ज़्यादा भी नहीं भरना है और बहुत कम भी नहीं भरना है। ज़्यादा भरने से फट जाएगा और कम से उतना टेस्ट नहीं आएगा अच्छा। और थोड़ा सा इसे प्रेस करते जाएंगे, थोड़ा सा और भी भर सकते हैं। और प्रेस कर दिया। अब इसी तरह इसको दबाते दबाते इन सारे एजेस को थोड़ा सा पास लाएंगे और ऐसे हम क्लोज कर देंगे। उसके बाद इसको आराम से एक लोई के आकार में बना लेंगे। लोई हमारी रेडी है और बहुत ही हल्के हाथों से आराम से इसे अब हम बेलेंगे। तो पहले थोड़ा सा परधन लगा लेती हूँ मैं, उसके बाद बेलना स्टार्ट करते हैं। देखिए बेलते टाइम ये बिल्कुल नहीं फटेगा, इसका मतलब सब कुछ ओके है, सब कुछ सही जा रहा है। थोड़ा बहुत ट्रांसपेरेंट आपको इंग्रेडिएंट्स दिखेगा तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। इसको अच्छे से बेल लेते हैं। तो पराठा मैंने अच्छे से बेल लिया है, तवे को गर्म कर लेते हैं।
गरम हो गया है और हम फ्लेम को लो टू मीडियम ही रखेंगे और पराठे को तवे पे रख देंगे। अब एक साइड पकने का वेट करेंगे। तो एक साइड पराठा पक चुका है, अब हम इसे पलट लेंगे और दूसरी साइड भी पकने देंगे थोड़ा सा, उसके बाद हम इसे ऑयल लगाएंगे। तो दूसरी भी साइड रोटी की तरह पक गया है पराठा हमारा, हम इस पर ऑयल लगाएंगे दोनों साइड। और फ्लेम को आपको लो टू मीडियम ही रखना है वरना पराठा जल जाएगा और अच्छे से पराठा सिक नहीं पाएगा। आप चाहे तो सरसों के तेल में भी बना सकते हैं और घी में भी बना सकते हैं, बट दोनों में ही मुझे इसका टेस्ट नहीं पसंद, क्योंकि ऑलरेडी इसके स्टफिंग में सरसों का तेल रहता है और इसके साथ चोखा और जो चटनी मैं बनाती हूँ उसमें भी तेल रहता है। तो मैं रिफाइंड ऑयल से ही मतलब सेकना ज़्यादा पसंद करती हूँ, क्योंकि सरसों का तेल का झाग बहुत आता है ना मुँह में। देखिए एक साइड सेक चुका है, दूसरे साइड पलट दिया है मैंने। कितना अच्छा सही सा और कितना प्यारा ब्राउन कलर आया है पराठे का, और कहीं से भी फटा नहीं है और कहीं से भी स्टफिंग लीक नहीं हो रही है। दोनों साइड इसी तरह लो टू मीडियम फ्लेम पे हम पका लेंगे और पराठा हमारा रेडी है। तो पराठा दोनों तरफ से अच्छी तरह से सिक चुका है, अब हम इसे उतार लेंगे। तो इसी तरह से दूसरा पराठा भी हमारा रेडी है। देखिए कितना अच्छा और कितना सुंदर कलर आया है पराठे का। तो चलिए अब मैं सर्व कर लेती हूँ। दो पराठे तो बन चुके हैं और इन्हीं पराठों के साथ मैंने यूपी बिहार की फेमस चटनी बनाई है, ये टमाटर प्याज लहसुन वाली। इसमें टमाटर को भूनकर बहुत अच्छी सी चटनी बनाते हैं, तो मैं जल्दी इसकी भी रेसिपी आप सबसे शेयर करूंगी गाइस। तो कुछ ये डिनर रहा आज रात का हमारा। तो कैसा लगा आपको मेरा ये सत्तू पराठा रेसिपी, और प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं, और प्लीज़ मेरी वीडियोज़ को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपना सपोर्ट बनाए रखिए। मैं इसी तरह से आपके लिए और भी यूज़फुल वीडियोज़ लाती रहूँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।